शादी से पहले हलिया तोहर हिरनिया हो पियाबा, शादी से पहले हलिया तोहर हिरनिया हो पियाबा, अब रख देल्हा बना के नौकरनिया हो पियाबा, अब रख देल्हा बना के नौकरनिया हो पियाबा। और अंतरा कितना प्यारा है, हमसे मंज बाब हो पियाबा, लोटा आरु थरिया नैहर में हलिये अपन माई के दुलरिया, कीनी के अजले दिलहन एगो पैजनिया हो पियाबा, नरक बनैल्हा पल्लवी के जिंदगनिया हो पियाबा। आपको बता दें कि ट्रेंड न्यूज भोजपुरी जो कि मघी में बेहतर और बदलाव को लेकर पूरी कदम आगे बढ़ाती है और बेहतर के लिए हमेशा आगे बढ़ती है, और ट्रेंड न्यूज भोजपुरी की टीम से आपको हमेशा सपोर्ट किया जाएगा। एक हमारी बहुत अच्छी सी टीम है जो कि कोई भी कलाकार हो जो आगे बढ़ना चाहता हो, जो अपने भाषा के लिए अपने इंडस्ट्री के लिए जो बेहतर करते हैं उनके लिए हम संपूर्ण सपोर्ट करते हैं, संपूर्ण प्रयास करते हैं कि वो आगे बढ़े। तो हमारा ट्रेंड न्यूज भोजपुरी की टीम की तरफ से आपका भरपूर सपोर्ट है। बिल्कुल, और आप लोग भी ट्रेंड न्यूज़ भोजपुरी को देखें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि ये कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, और उभरते हुए कलाकार को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई कलाकार आगे बढ़ते हैं ना तो लोग, मतलब एक लोग होते हैं जो उनकी उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं, और एक लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल को गिराते हैं। जब लोग उभरते हैं, कलाकार धीरे धीरे आगे जाते हैं, तो बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और लड़कियों को तो खास करके बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि पहले सोसाइटी का ताना सुनना, फिर अगल बगल वाले को समझाना कि अगर सिंगिंग डांसिंग भी अच्छा चीज़ होता है, लोगों की मेंटिलिटी को अभी भी मतलब चेंजेस हो गए हैं बहुत, लेकिन अभी भी चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि इनका सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोग भी इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल में अधिक से अधिक व्यूवर जाने चाहिए, आप लोग भी व्यू बढ़ाएं और हम भी शेयर करेंगे, और बाबा भोलेनाथ के दया से आपका भी चैनल आगे बढ़ेगा जरूर, विश्वास है हमें। आप कोई भक्ति गाना जैसे गाते हैं तो एक कोई अपने अंदाज से भक्ति गाना कोई दर्शकों को सुनाइएगा। अभी एक मतलब बोलबम के टाइम में काफ़ी ये सॉन्ग भी सुनते हैं, कांवरिया लोग इस सॉन्ग पे काफ़ी झूमते हैं। मैं मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सावन में मैं जितना दिन भी गाना गई, एक ये वाला सॉन्ग है बम बम बोल रहा है काशी, ये हर दिन चलता है, तो मैं यही वाला सुनाती हूँ। इसका पहला बोल है, माँ अन्नपूर्णा बह भैरो बाबा, मान पुरना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। ये गाना मतलब इतना सावन में चलता है, पता नहीं इस सॉन्ग में क्या है, लेकिन ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ये सॉन्ग को। आप इतने अच्छे तरीके से गाते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत करिए और आगे बढ़िए, और अपने भाषा अपने इंडस्ट्री के लिए हाँ, कुछ अलग करिए और बेहतर करने की प्रयास कीजिए। हाँ, मेरा प्रयास तो लगा हुआ है, हम दिनों दिन सोच रहे हैं कि जैसे कोई पूजा आते रहेगा तो मैं उस पर गाना गाने का कोशिश करूं। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो मैं सोच रही हूं क्यों ना कान्हा जी के ऊपर एक सोहर भी गा सके, क्योंकि सोहर सुनते हैं लोग, सोहर बहुत पसंद करते हैं लोग, और स्पेशल हमारी महिलाओं लोग को सोहर बहुत पसंद होता है, और अगर महिलाएँ लोग देखने लग जाएँ तो फिर तो सॉन्ग में व्यू जाना ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सोहर या नहीं तो अभी कर्मा का गीत तो आएगा ही, क्योंकि बहुत लोग हमें कमेंट किए हैं कर्मा का गीत, और जनता का जो प्यार है वो प्यार के लिए हम लोग को, हम लोग जनता अगर हम लोग को देखेंगे तभी हम लोग हैं, अगर हम लोग को जनता देखेंगे नहीं तो हम लोग क्या हैं। तो इसीलिए जनता के लिए, अगर जनता जो कह रहे हैं तो उनकी बात को मानना ज़रूरी है। सबका कर्मा सॉन्ग गाने का फरमाइश आया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग के सामने ला सकूं, और वो सॉन्ग भी मेरा अच्छा रहे, तो बस कोशिश जारी है। अभी उस सॉन्ग को हमने सुना नहीं है, नहीं तो एक लाइन कोशिश कर देगी बस लिपसिंग बताने का, अभी सुने नहीं है वो। आप लोकगीत नहीं गाते क्या? लोकगीत नहीं गाते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली थोड़ा अभी अलाउ नहीं है, आगे चल के अगर हो सकता अच्छा होगा तो अलाउ होगा,
क्योंकि अभी मैं झा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेंटेलिटी को चेंज करने, मतलब दादा पर दादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे मेरा फैमिली बहुत खुश है, अभी मेरे फैमिली बहुत खुश है, स्पेशली मेरे पापा मम्मी सब बहुत खुश हैं। पापा तो सबको दिखाते हैं कि देखिए मेरी बेटी का ये चैनल है, मेरी ये मेरी बेटी है, मतलब उनको गर्व महसूस होता है। तो फैमिली को मेरे पापा मम्मी बहुत खुश हैं और भी अगल बगल सोसाइटी वाले भी धीरे धीरे जल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे खुश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और आप लोग का सहायता रहेगा तो क्यों ना आगे बढ़ेंगे हम। और आशीष यादव जी भी हमें रिप्लाई दिए तो हमको ये देखकर अच्छा लगा कि वो भी कलाकारों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो सभी कलाकारों को सम्मान करते हैं और सपोर्ट करने की पूरा प्रयास करते हैं, वो बेहतर इंसान है, कहीं ना कहीं इसीलिए आज वो इस मुकाम पे हैं। और मघी में बार बार ट्रेंडिंग में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अगर लोकगीत, अच्छे अच्छे लोकगीत लाने का प्रयास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा। एक हम लोकगीत गाए हैं उसमें व्यू अभी लगभग 20 के या कुछ आसपास होगा, तो वो वाला ये था, वो भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसका अंतरा तो बहुत ही अच्छा है। सॉन्ग का लिपसिंग ये है, अब राख दिल्हा बना के नौकरनिया हो पियावा। हाँ, मुझे जनता का ही प्यार चाहिए और इसलिए मैं लोग गीत गाने से डरती हूँ। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अरे ये तो बोलती है जागरण सिंगर है, भाई जागरण सिंगर है तो ये लोग गीत क्यों गा रही है। एक दो ऐसा मतलब हमको कमेंट्स भी आया था, तो जो लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं उनको कहना चाहूँगी अरे भाई आपको नहीं पसंद है तो आप मतलब नहीं करो ना सब्सक्राइब, निकल जाओ भाई इतना क्यों बोल रहे हैं। तो ये मेरा लोकगीत है, वो सुनाऊँ एक लाइन? एक सुना दो। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। वो लोकगीत ऐसा है कि शादी से पहले हमको हीरोइन बना के रखे थे, उसके बाद नौकरानी बना दिए, तो सॉन्ग का लिपसिंग ये है, शादी से पहले हलिया तहर हीरोनिया पियाबा, शादी से पहले हलिया तोहर हीरोनिया पियाबा, अब राख दिल्हा बना के नौकरनिया हो पियाबा, अब राख दिल्हा बना के नौकरनिया हो पियाबा। और अंतरा कितना प्यारा है, हमसे मंज बाब हो पियाबा, लोटा आरू थरिया नैहर में हलिये अपन माई के दुलरिया, कीनी के अजले दिल्हन एगो पैजनिया हो पियाबा, नरक बनैल्हा पल्लवी के जिंदगनिया हो पियाबा।